बाराबंकी के एक कॉलेज के शिक्षिका की डांट से क्षुब्ध होकर बीकॉम की छात्रा ने खौफनाक कदम उठाया। छात्रा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शिक्षिका की फर्जी आईडी बनाई और आईडी बनाकर अश्लील कमेंट करने लगी। शिक्षिका के परिजनों को भी उसी आईडी से मैसेज और फोटो भेजने लगी। शिक्षिका ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा हुआ। बीकॉम की छात्रा को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस के दौरान शिक्षिका ने डांट दिया था। इस पर छात्रा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शिक्षिका के नाम से कई फर्जी आईडी बनाई और उस पर अश्लील कमेंट करने लगी। छात्रा ने शिक्षिका को भद्दी भद्दी गालियां दी। छात्रा ने शिक्षिका की फर्जी आईडी बनाकर उसके परिवारजनों और फ्रेंड लिस्ट के फ्रेंड्स को भी शिक्षिका पर अश्लील कमेंट करने और गाली गलौज करते हुए मैसेज भेजे गए। करीब 4 महीने पहले शिक्षिका ने मामले की जांच साइबर क्राइम सेल को सौंपी गई। गुडम्बा इंस्पेक्टर शिवचरण सिंह और साइबर क्राइम सेल के दरोगा शिशिर यादव, आरएन सिंह, साइबर एक्सपर्ट अजय प्रताप सिंह, रणधीर सिंह, आशीष और गोविंद की संयुक्त टीम लगाई गई। आईपी एड्रेस से छात्रा को ट्रेस किया गया। गुरुवार को साइबर क्राइम सेल की टीम ने छात्रा को बाराबंकी से पकड़ लिया। इसके बाद उसे साइबर क्राइम सेल के ऑफिस लाकर पूछताछ की गई। छात्रा ने अपनी गलती स्वीकार की। इसके बाद उसे हिदायत और एक नोटिस देकर छोड़ दिया गया। साइबर क्राइम सेल के दरोगा ने बताया कि इसके पहले भी छात्रा ने एक शिक्षिका की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर अश्लील मैसेज और कमेंट किए थे।